पति निक जोनस और बेटी मालती भी मौजूद हैं। अयोध्या पहुंचे प्रियंका और उनके पति ट्रेडिशनल लुक में दिखे। जोधपुर से बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां पर पुलिस ने नशीली दवाओं पर कार्रवाई की है। 6,45,000 नशीली टैबलेट्स जब्त की हैं। गिरफ्तार आरोपी की सूचना पर यह कार्रवाई की गई है। सूरसागर मोगड़ा इलाके में कार्रवाई की गई है। करोड़ों में जब्त की गई दवाओं की कीमत बताई जा रही है। तो यह बहुत बड़ी कार्रवाई की गई है। जोधपुर में पुलिस ने नशीली दवाओं पर यह कार्रवाई की है। 6,45,000 नशीली टैबलेट्स की जब्त की गई हैं। इसके अलावा गिरफ्तार आरोपी की सूचना पर यह कार्रवाई की गई है। सूरसागर मोगड़ा इलाके में कार्रवाई की गई है। करोड़ों में बताई जा रही है जब्त दवाइयों की कीमत। जयपुर की बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां पर सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा पेपर लीक प्रकरण से जुड़ी यह बड़ी खबर है। और रिमांड पर चल रहे सभी 14 ट्रेनी सब इंस्पेक्टर को एसओजी ने कोर्ट में पेश कर दिया है। सभी आरोपियों को कोर्ट ने न्यायिक अभिरक्षा में भेजने के आदेश दे दिए हैं। वहीं कुछ आरोपियों की जमानत के लिए कोर्ट में प्रार्थना पत्र भी लगाया गया है। उदयपुर की बड़ी खबर आपको बताते हैं, केलूपोष मकान में आग लग गई है। बेकरिया थाना क्षेत्र के लोहारचा गांव की एक घटना है, जहां पर आग लगने की बात सामने आई है। आग से घरेलू सामान जलकर खाक हो गया। घर के सभी सदस्य खेत पर मौजूद थे। ग्रामीणों ने आग पर काबू पाने का प्रयास किया। आग से अनाज दस्तावेज और सामान जलकर खाक हो गया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है, कितना नुकसान यहां पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। आग लगने की घटना सामने आई है। दौसा के नाहर खोहरा गांव में कल दोपहर से खुले कुएं में पैंथर और एक बकरा गिर गया, जिसकी सूचना ग्रामीणों ने वन विभाग के रेंजर समेत अन्य अधिकारियों को दे दी। सूचना के बाद मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने मौका मुआयना भी किया। रात भर वन विभाग की टीम ने पैंथर को कुएं से बाहर निकालने का प्रयास किया, लेकिन पैंथर को बाहर नहीं निकाल पाए। ग्रामीणों का कहना है कि कल तक बकरा और पैंथर दोनों जीवित थे, लेकिन रात में पैंथर ने बकरे को अपना शिकार बना लिया। बकरा मालिक भी बकरे का मुआवजा देने की मांग कर रहा है। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि अगर जल्द ही जयपुर से रेस्क्यू टीम मौके पर नहीं पहुंची तो आंदोलन किया जाएगा। इंजेक्ट किया कि ये पैंथर ही है, उसके बाद में पूरी टीम पूरी रेंज की टीम आई। यहाँ हमने जो प्रयास किया सिड्डी लगा के उसको बाहर निकालने के लिए, पिंजरा मंगवाया, लेकिन उससे अपने सफलता नहीं मिली। उसका इंतज़ार किया। अब सुबह डीएफओ सर श्रीमान अजीत जी उच्चे से बात हुई, उन्होंने जयपुर बात करके रेस्क्यू टीम को बुलाया गया। रेस्क्यू टीम बहुत जल्दी पहुंचने वाली है और इसको सकुशल बाहर निकाल लिया। सिरोही में नगर परिषद की अनियमितताओं के चलते सिरोही विधानसभा की नेता बदल गए। एक महीने में 4 बार आयुक्त भी बदल गए, लेकिन नगर परिषद के कार्यप्रणाली में कोई सुधार नहीं हुआ। नगर परिषद में आयुक्त पद के लिए अतिरिक्त कार्यभार भी दे दिया गया, लेकिन अधिकारी के समय पर नहीं आने से लोगों के रूटीन के काम के लिए आम जनता को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद आगे